सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में, और जितने भी GTA 6 के लीक आए हैं हम कवर कर पाएंगे इस छोटे से वीडियो में, उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई GTA 6 की अनाउंसिंग डेट। सो कोई भी अनाउंसिंग डेट अभी तक GTA 6 की फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ रॉकस्टार ने कहा है कि आने वाले 2024 और 25 के एंड तक वो अपनी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वो सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, वो GTA 6 के लॉन्च से। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2025 के लास्ट तक शायद GTA 6 आ सकता है, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो GTA 6 की कोई भी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर कोई चैनल आपको बता रहा है तो वो बिल्कुल फेक है। दूसरी चीज़ जो रॉकस्टार करने वाला है वो है एक फीमेल कैरेक्टर को गेम में ऐड करना, क्योंकि भाई गेम एक फीमेल कैरेक्टर भाई रॉकस्टार ने अभी तक ऐड नहीं किया है। लेकिन हाँ भाई, जो नेक्स्ट जो GTA 6 आने वाला है उसके अंदर हमें एक फीमेल कैरेक्टर है उसके साथ भी गेम खेलने का मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल एक नई चीज़ नहीं, रॉकस्टार जो है वो अपने गेम में पहली बार एक फीमेल कैरेक्टर को ऐड कर रहा है जिसे हम गेम प्ले कर पाएंगे। भी GTA 5 है उसमें भी मेल कैरेक्टर थे, GTA San Andreas है, GTA Vice City है, उसमें भी हम मेल कैरेक्टर से ही गेम प्ले करते थे। लेकिन GTA 6 आएगा उसमें हमें एक फीमेल कैरेक्टर भी दिया जाएगा, क्योंकि रॉकस्टार ये चीज़ पहली बार कर रहा है एक फीमेल कैरेक्टर को देना गेम के अंदर। और अभी जो रॉकस्टार का मूड है भाई, वो सच बताऊँ तो पैसे की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ है, और वो जो है यूज़र्स को कुछ ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। इसीलिए भाई वो गेम को सबसे पहले कंसोल पर लॉन्च करने वाले हैं, कंसोल के बाद भाई वो गेम बाद में PC पर लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए रॉकस्टार है वो सबसे पहले कंसोल यूज़र हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा, उसके बाद इस गेम को PC पर लॉन्च किया जाएगा। और भाई इस गेम की जो अमाउंट है वो अराउंड $70 तक रखी जाएगी स्टार्टिंग में, ये अंदाज़ा है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हाँ अगर आप गूगल करके देखते हो तो इसका मतलब एक राउंड फिगर में देखा जाए तो $70 के आसपास ही इसकी जो है अमाउंट होगी GTA 6 की। GTA 5 अभी भी भाई अपने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और GTA 5 ऑनलाइन है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है। यानी उसका GTA 5 का ऑनलाइन वर्जन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस हूँ कि GTA 6 ऑनलाइन में आखिरकार क्या नई चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी। GTA 5 की ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को लोग जानते हैं, बड़े बड़े रैंप्स, कार रेसिंग, और हाउस खरीदना, विला खरीदना, नई कार्स करना, कुछ मिशन करना, लेकिन GTA 6 में ऐसा अलग क्या होगा ऑनलाइन, वो मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और GTA 6 के मैप को लेकर भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार GTA 6 का मैप कैसा होगा, कि बहुत सारी चीज़ें GTA 6 में बहुत अलग होने वाली हैं GTA 5 से, और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी होंगी। तो पता नहीं भाई रॉकस्टार कंपनी GTA 6 में क्या कुछ नया ला कर देने वाला है, क्योंकि GTA 5 ऑनलाइन पहले ही इतना अच्छा गेम है, और उससे अच्छा गेम बना कर देना बहुत मुश्किल काम है। और एक चीज़ और है कि भाई जो GTA 5 और GTA 6 के जो वॉइस एक्टर्स हैं वो अभी हाल में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो GTA 6 के बारे में कह रहे हैं कि GTA 6 का वेट करना काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यानी एक तरीके से जो रॉकस्टार है वो GTA 6 को लेकर और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहा है ऑडियंस के बीच, ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि रॉकस्टार अभी इस चीज़ के लिए मतलब सस्पेंस क्रिएट कर रहा है खुद ब खुद। तो वो यानी गेम जो लॉन्च होने वाला है वो अभी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, 1 या 2 साल के अंदर आपको मैक्सिमम, मुझे अपना पर्सनली व्यू लगता है कि GTA 6 है वो मार्केट में आ जाएगा। आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप नीचे कॉमेंट करके बता देना। ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।